हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेसफुल। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजीव रंजन और आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा था यूनिट डिजिट का, और अभी यूनिट डिजिट ही स्टार्ट किए हैं तो इसको ख़त्म करना मेरा फर्ज है। तो यूनिट डिजिट के जो कॉन्सेप्ट बाकी रह चुका था, उस कॉन्सेप्ट को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले रिव्यू देख लेते हैं कि हम लोग पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़े थे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप जा करके देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। उसके बाद का ये कुछ बाकी रह चुका था जिसको हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक हम आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात और कहूंगा कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए, आपका कमेंट ही हमारे लिए ये मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम और भी नया नया अपडेटेड भरपूर एनर्जी के साथ वीडियो को बना सके और आप लोगों का हेल्प कर सके। दोस्तों चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि मेरे पास डिजिट होते हैं जीरो से लेकर के नौ तक। मेरे पास डिजिट कितना होते हैं, टोटल 10 डिजिट होते हैं और जीरो से लेकर के नौ तक होते हैं। और इस सभी डिजिट को हम लोगों ने तीन पार्ट में बांट दिया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने रखा था 0, 1, 5 और 6 को, इस पर बस एक ही रूल लगेगा इस चारों डिजिट पे। दूसरे पार्ट में था 4 और 9, तीसरे पार्ट में 2, 3, 7 और 8, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर इसमें से कुछ रहेगा, उसका पावर कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, इस दोनों में से कोई भी किसी संख्या का इकाई अंक रहेगा, उसका पावर कुछ भी रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए। और यहाँ पे 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये है तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये दोनों हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग बता देते हैं एक बार फिर से कि ये अगर इसमें से कुछ भी रहा गया, यानी कि 0, 1, 5, 6, इसका पावर भी अगर n रहा, या फिर इसका पावर n रहा, इसका पावर n रहा, इसका पावर n रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, सेम रहेगा, यानी कि यूनिट डिजिट भी 0, 1, 5 और 6, यानी 0 का पावर n रहेगा तो 0, 1 का पावर n रहेगा तो 1, 5 का पावर n रहेगा तो 5 और 6 का पावर n रहेगा तो 6। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इस वाले ग्रुप के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 4 का पावर यदि ऑड नंबर मिलेगा तो इसका यूनिट डिजिट 4, 4 का पावर अगर इवन नंबर मिलेगा तो यूनिट डिजिट 6। इसको भी हम लोगों ने अच्छे से समझा था। फिर 9, अगर 9 का पावर ऑड रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट 9, और 9 का पावर अगर इवन नंबर मिलेगा तो इसका यूनिट डिजिट 1। इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जांपल्स के साथ पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का इकाई अंक रहे, उसका पावर कुछ भी दिया हुआ रहे, तब हम लोग को किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करना है विद इन अ सेकेंड। तो दोस्तों हेडिंग लगाइएगा 2, 3, 7 और 8, यानी कि थर्ड ग्रुप। चलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं दो वाले के लिए, किसके लिए देखेंगे, तो दो वाले के लिए देखते हैं। एक चीज ध्यान से समझिएगा, इस चीज को गौर से देखिएगा, इधर हम लिखते हैं यूनिट डिजिट, अगर 2 का पावर 1 मिला तो इसका यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 2 हुआ तो यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 8, 2 का पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 6, 2 का पावर 5 हुआ यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 6 यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 7 यूनिट डिजिट 8, 2 का पावर 8 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, 2 का पावर 9 यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 10 यूनिट डिजिट आपका 4। चलिए इतना ही तक देखते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा। चलिए अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि अगर रिपीट कितने पे हो रहा है, ये देखिए 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, फिर 2, 4, आगे अगर रहेगा तो 8 और 6, यानी कि प्रत्येक 4 के बाद आपका पावर जब भी हो रहा है तो प्रत्येक 4 के बाद पावर क्या, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का पावर यहां पर 1 है और इस 1 में अगर हम 4 बढ़ा दें, यानी कि पावर में 4 जोड़ दें, तो 2 का पावर 5 होगा तो इसका भी यूनिट डिजिट 2, इसका भी यूनिट डिजिट 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर अगर हम 5 में, यानी इस पावर में अगर हम 4 बढ़ा दें, तो 2 का पावर 5 है, इसमें 4 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 का पावर 9 मिलेगा और इसका भी यूनिट डिजिट आपका 2 ही है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं
कि प्रत्येक पावर में 4 को बढ़ाने से यूनिट डिजिट क्या रह रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, यानी कि बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आप एक और लेकर के देख सकते हैं, 2 का पावर 3 है यहाँ पे, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। अब देखिए 3 में अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 7, तो 2 का पावर 7 का भी यूनिट डिजिट हम चेक कर लिए तो 8 ही मिला। इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं कि पावर में 4 के मल्टीपल बढ़ने से यूनिट डिजिट सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। यानी कि 4 का मल्टीपल को हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे, अगर 2 का पावर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। इसमें अगर हम 4 बढ़ा दिए तो यूनिट डिजिट पावर कितना होगा, 2 का पावर 6। देखिए इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 2 में 4 बढ़ाए तो 6, इसका भी यूनिट डिजिट 4। फिर इसमें अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 10, इसका भी यूनिट डिजिट 4। 2 का पावर 14, इसका भी यूनिट डिजिट 4, सॉरी 2 का पावर 18, इसका भी यूनिट डिजिट 4। 2 का पावर 22, इसका भी यूनिट डिजिट 4। आगे हम पावर में 4 बढ़ाते चले जाएंगे फिर भी मेरा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब एक चीज समझिए यहां पे कि अगर हमसे पूछ ले कि 2 का पावर 33 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर 4 का मल्टीपल होगा तो वहां तक आपको छांट देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका फाइनल पावर होगा। तो देखिए इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे, 4 का मल्टीपल छांटने का मतलब क्या होगा कि हम लोग उसको 4 से भाग करते हैं, तो 4 8 32, यानी रिमाइंडर बचेगा 1, तो फाइनल आपका जो 2 का पावर 1 होगा ना, यही आपका इसका भी यूनिट डिजिट होगा। 2 का पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होगा, 2, तो यही यूनिट डिजिट आपका इसका भी होगा। आई होप थोड़ा सा कट रहा होगा उधर से, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि 2 का पावर अगर 1 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। फाइनल इसका भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा आपको दोस्तों, तो 2 ही मिलेगा, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 2। अब चलिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं और उस पर समझने का कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आपको किस तरीके से करना है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के द्वारा, इस एग्जांपल्स के द्वारा इसके कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि सभी का इकाई अंक संख्या ये कहलाता है और पावर ये कहलाता है, इसमें ये संख्या है और ये पावर है, ये संख्या है और ये पावर है। तो अगर संख्या का यूनिट डिजिट 2 मिले, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका भी पहले एक ही क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। तो अगर इकाई अंक 2 मिले तो पावर को हम लोग क्या करते हैं कि 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा वही 2 का पावर होगा और उसका जो यूनिट डिजिट आएगा इस पूरे का यूनिट डिजिट उतना ही रहेगा। देखिए 4 से डिवाइड करना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप 4 से भाग लगाने लगिएगा तो आपको दिक्कत होगा, 3 अंक का संख्या है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपका आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि बस लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो सिर्फ सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बस इस 81 को, यानी कि पावर में जो भी रहेगा उसके लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका फाइनल पावर बचेगा। तो देखिए 4 से अगर हम 81 को डिवाइड करते हैं तो 20 चौका 80, यानी रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इसका पावर होगा, यानी कि 2 का पावर 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, तो 2, ये आपका इसका यूनिट डिजिट आ चुका है। कुछ नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल सा चीज़ है, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उतना ही फिर पावर पे लगाते हैं, 2 के पावर पे उतना, और उसका जो वैल्यू आएगा वो। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ देखिए इसका भी इकाई अंक कितना है, तो 2 है, इस आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब बताइए ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया पावर में, अब इसको 4 से पूरा का पूरा डिवाइड कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम अगर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट को आप भाग दीजिए सिर्फ, तो अगर इसको आप भाग देते हैं 4 से तो कितना हो जाएगा ये बताइए। देखिए 19 चौका 76 होता है, यानी कि 2 बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, तो जितना रिमाइंडर बचेगा इस 2 पे उतना ही पावर लगाएंगे, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो 4 ही आएगा। कोई दिक्कत है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना रिमाइंडर बचेगा 2 पे पावर उतना लगा देंगे, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस 2 का पावर क्या दिखा आपको, कुछ भी दिखेगा तो लास्ट के 2 डिजिट को, यानी कि इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो 43 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 20 दूना 40 होता है, रिमाइंडर 3 बचेगा,
तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 2 का पावर 3 यानी कि यूनिट डिजिट 8। तो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना मिलेगा दोस्तों, तो 8 मिलेगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, और यदि उस और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हमको सर यहाँ पर दिक्कत हुआ, हम उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हम स्टार्ट किए हैं बहुत दिनों के बाद यूट्यूब पे आया है, तो बस थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट चाहिए, आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए। आप लोग के सपोर्ट से ही हम नया नया वीडियो, अपडेटेड वीडियो यानी कि बनाते रहेंगे और आप लोगों को हेल्प कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि 2 वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। हम लोग बढ़ते हैं 3 वाले के ऊपर, यानी कि 3 वाला, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हम 2, 3, 7, 8 को अगर एक ग्रुप में रखें, इसका मतलब कि एक ही रूल अप्लाई होगा। तो जो कंसेप्ट हम 2 पे सीखे हैं, वही रूल आप 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 3 वाले के लिए देखते हैं हम लोग कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 3 रहेगा, उसका पावर कुछ भी दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से हम लोग 2 वाले के लिए देखे हैं, उसी तरीके से हम लोग 3 वाले के लिए देखेंगे। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27 होता है, तो 7 इसका यूनिट डिजिट, क्योंकि हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। 3 का पावर 4 81 होता है, यानी कि 1। 3 का पावर 5 फिर 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। फिर 3 का पावर अगर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 9। 3 का पावर 7 है तो 7। 3 का पावर 8 है तो 1। 3 का पावर 9 है तो आपका 3। फिर 3 का पावर अगर 10 है तो यूनिट डिजिट 9। सेम चीज़ जिस तरीके से हम लोग 2 वाला में सीखे हैं, सेम इसमें भी आपका अप्लाई होता है। देखिए, 3, 9, 7, 1 3, 9, 7, 1 3, 9 अगर आगे रहेगा तो 7, 1 यहाँ भी आपका 4, 4 के बेस पे आपका क्या हो रहा है, 4, 4 के पावर का में, अगर 4, 4 के मल्टीपल पे आपका यूनिट डिजिट सेम रह रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि अगर 3 का पावर 2 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। तो पावर में अगर हम 4 बढ़ाए, यानी इसके बाद हम चौथा नंबर देखें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 2 में 4 बढ़ाएंगे तो 6। तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है दोस्तों, 9 ही हमको मिल रहा है। ठीक है, अगर 3 का पावर इसमें भी 6 में भी अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो 6 में 4 बढ़ाएंगे तो 10 होगा, और इसका भी यूनिट डिजिट 9 आपको दिख गया। इसका मतलब है कि अगर किसी भी संख्या का पावर जो दिया हुआ है वो क्या होगा, 4 के मल्टीपल में आपको काट लेना है, जो रिमाइंडर बचेगा फाइनल पावर वही होगा। यहाँ भी आप देखिए ना कि 3 का पावर 1 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसका भी यूनिट डिजिट 3 ही होगा। फिर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, इसका भी यूनिट डिजिट 3 ही आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर 3 का पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना है, 7 है, तो इसमें अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो आपका 3 का पावर 7 का भी यूनिट डिजिट 7 ही होगा। 3 का पावर 11 का भी यूनिट डिजिट 7 होगा। 3 का पावर 4 बढ़ाते चले जाएंगे तो 15 का भी यूनिट डिजिट 7 होगा। 3 का पावर 19 का भी यूनिट डिजिट 7 ही होगा। 3 का पावर 23 का भी यूनिट डिजिट 7 ही होगा। आगे और भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि 3 का पावर अगर 34 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि इस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 पावर के बाद में आपका क्या होता है, यूनिट डिजिट सेम होता है, यानी कि 4 का मल्टीपल जो होगा उसको हटा देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका फाइनल पावर होगा। तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 32, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो रिमाइंडर जब 2 बचा तो इसके लिए हम लिख देंगे कि 3 का पावर 2। 3 का पावर 2 कितना होता है, 9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यूनिट डिजिट 3 के पावर 34 का यूनिट डिजिट कितना होगा, तो 9 होगा। आई होप आपको, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है 2 वाला के लिए, 3 वाला के लिए भी, 7 और 8 के लिए भी सेम है। यानी कि पावर को हमको क्या करना पड़ रहा है कि 4 से डिवाइड करना पड़ रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका फाइनल पावर होगा, उसका यूनिट डिजिट आप देख लीजिए, वही आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इस पर भी देखते हैं, और इस एग्जाम्पल्स को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर हम लोग क्वेश्चन में इसका यूज किस तरीके से करें। यूज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं, कितना जल्दी, उस समय आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। क्वेश्चन बनाते समय आपका माइंड एकदम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और ध्यान से हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का कोशिश करेंगे। चलिए,
ये सारी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी, जो आपका टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है इरेज करने में, लिखने में, ये सारी परेशानी कुछ दिनों के बाद आपका सपोर्ट इसी तरीके से मिलता रहा तो ये भी परेशानी आपका खत्म हो सकता है, आपका क्या मेरा भी परेशानी खत्म हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं 823 का पावर 348, 348 नहीं 347 कर लीजिए, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं 1023 का पावर 1556, 1556 नहीं, चलिए 1556 ही रहने दीजिए, उसमें एक अलग सा कॉन्सेप्ट है उसको समझाएंगे हम। देखिए यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट कितना है, तो 3 है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब भी 3 दिखे तो पावर को 4 से डिवाइड करना है। 2 दिखे, 3 दिखे, 7 दिखे, 8 दिखे, हम आगे भी आगे वाला भी हम अभी बता दे रहे हैं, 2, 3, 7, 8 कुछ भी देखे इकाई अंक में संख्या के, तो पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे को 4 से डिवाइड मत कीजिएगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइएगा कि सिर्फ आखिरी के 2 अंक को 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो 47 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा देखिए कितना हो जाएगा आपका 12 चौका 48, यानी कि कम होगा, तो 11 चौका 44, रिमाइंडर कितना बचेगा तो 3 बचेगा। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 का पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा 27 होता है, इसका यूनिट डिजिट 7 होता है, और यही आपका इस संख्या का भी आंसर आ गया कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा तो 7 होगा, यानी कि 823 का पावर 347 का यूनिट डिजिट कितना होगा तो 7 होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 दिखा हमको, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौका 56, यानी कि रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे प्रॉब्लम फंस सकता है दोस्तों, 4 से यदि पावर पूरा पूरा कट जाए, 4 से पूरा पूरा कट जाए पावर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो संख्या का इकाई अंक है यानी 3 है, तो 3 का पावर 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 3 का पावर 4। दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर पावर को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, पावर पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर अगर नहीं बचा, तो जो संख्या का इकाई अंक है 3, तो 3 पे पावर हम लोग 4 लगाएंगे, क्योंकि 4 से पूरा पूरा कट गया है तो पावर क्या लगाना है 4 लगाना है। तो 3 का पावर 4 81 होता है, जिसका यूनिट डिजिट 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 1 आएगा यूनिट डिजिट। देखिए आप 2 का भी पावर लगाइएगा, 4 से अगर भाग लग जाएगा पावर, तो 2 का पावर क्या रखिएगा 4 रखिएगा। अगर 4 कंप्लीटली डिविजिबल कट, यानी 4 से पूरा पूरा पावर कट जाए, तो आप क्या करेंगे, तो पावर में 4 लगाएंगे, यानी कि अगर 2 रहता है यहाँ पे, तो 2 का पावर 4 जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट वो हो जाएगा। 3 का पावर 4 कितना होता है 81 होता है, 81 का यूनिट डिजिट 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 1 ही होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाए। देखिए हम सारे क्वेश्चन का, सारे टाइप का क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो प्रैक्टिस सेशन को जरूर देखिएगा, और उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम उसमें लाने वाले हैं। बहुत अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन का, जो भी आपका SSC का CHSL हो गया, CGL हो गया, मेंस तक के क्वेश्चन को हम लोग उसमें डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज आराम से इसको इसको समझिएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग, अगर 1243 है, इसका पावर 18552 दिया गया है, इसको सॉल्व कीजिए भाई कि इसका इकाई अंक क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए अब प्रॉब्लम फंसेगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है, इसको उड़ा देंगे। 3 है इकाई अंक, 3 का पावर कुछ भी रहे तो पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भी डिवाइड करने के लिए पूरे संख्या को डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड करना है, यानी कि 52 को, तो 13 चौका 52 भाई मेरे पूरा पूरा कट चुका है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब कि रिमाइंडर आपका 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाए, तो उस केस में हम लोग ये 3 है तो 3 का पावर 4 लगाते हैं, यानी 81 इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 आ चुका है आंसर, पूरे का पूरा इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है 1 आ चुका है यूनिट डिजिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिए, 2 वाला 3 वाला, अब चलते हैं हम लोग 7 वाले का ऊपर, यानी कि 7 का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हम आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर इसको एक ग्रुप में 4 संख्या रखे, इसका मतलब कि चारों संख्या पे एक ही रूल अप्लाई होगा, जो रूल 3 पे जो वही रूल जो रूल 2 पे वही रूल 3 पे वही रूल 7 पे वही रूल 8 पे भी अप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि अब 7 के लिए क्या करना है।
तो 7 का भी बहुत आसान है, वही चीज है। हम लोग फिर से इस कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर 7 का पावर 1 रहे तो यूनिट डिजिट 7, 7 का पावर 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट 9, 49 होता है। देखिए हम ये कहां से लिख रहे हैं, हम याद थोड़े किए, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का यूनिट डिजिट 9 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। अब देखिए फिर 7 का पावर 4 करना है, तो अगर नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, इसका आपका 3 इकाई अंक आ रहा है, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 यानी कि 1। फिर आपका 7 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 7, 7 का पावर 6 कितना, 9, 7 का पावर 7 तो 3, 7 का पावर 8 तो 1, 7 का पावर 9 तो सॉरी 7, फिर 7 का पावर 10 तो आपका 9, इसी तरीके से आगे और जाएगा। जगह नहीं था इसलिए आगे नहीं लिख रहे, ज़्यादा समझ यानी कि ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब फिर वही चीज़ आप समझिएगा कि यहाँ भी 4 के बाद आपका रिपीट हो रहा है, तो 7 9 3 1, 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग। यानी कि अगर देखते हैं यहाँ पे 7 का पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना है, 9, तो यहाँ देखिए 9 जो होगा वो आपका 7 का पावर 2 का भी यूनिट डिजिट होगा, 2 में पावर 4 बढ़ाएंगे तो सॉरी 6 का भी यूनिट डिजिट 9 ही होगा, फिर 7 का पावर 6 में अगर 4 बढ़ाए तो 10, 10 का भी यूनिट डिजिट 9 होगा, 7 का पावर 14 इसका भी यूनिट डिजिट 9 ही होगा, 7 का पावर 18 इसका भी यूनिट डिजिट 9, जितना पावर में 4 बढ़ाते जाइएगा सबका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 9 9 ही आने वाला है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे फिर से समझ लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल के थोड़ा द्वारा कि अगर 7 का पावर 46 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके पावर को हम लोग 4 से भाग करते हैं, पावर को 4 से भाग करेंगे तो देखिए 11 चौका 44 यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर जब 2 बचा तो 7 का पावर कितना लगाएंगे, 2, इसका यूनिट डिजिट 9 होता है तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों, तो 9 ही होगा, कोई दिक्कत अभी तक। चलिए 2 3 7 8 चारों संख्या के लिए एकदम सेम रूल है, जो रूल हम 2 पे देखे वही 3 पे देखे वही 7 पे देखे और वही हम आगे 8 पे भी देखेंगे। तो चलिए इसके लिए भी आपको क्या करना है कि पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा, रिमाइंडर यूनिट डिजिट नहीं होगा, रिमाइंडर जो बचेगा उसको पावर में लगाएंगे उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगा वही होगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, 1077 इसका पावर 556, 2187 इसका पावर 18 7, 59, इस दोनों का इकाई अंक फटाफट एकदम फटाफट अब का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल फटाफट, कोई मतलब नहीं है इससे, 7 दिखा पावर को 4 से भाग करेंगे, हाँ 56 को 4 से भाग किए पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, तो जब भी याद रखिएगा रिमाइंडर जब भी 0 आएगा तो जो इकाई अंक आपका 7 है उसका पावर 4 लगाएंगे। अब बताइए कि 7 का पावर 4 इकाई अंक कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा, 7 का पावर 4 इकाई अंक कितना होता है, 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। बाय द वे अगर 4 से पूरा पूरा कट जाता है, रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं बचता है यानी 0 बचता है, तो जो आपका इकाई अंक है ना उसी पे हम पावर को 4 लगा देंगे, तो 7 का पावर 4 रिमाइंडर सॉरी इकाई अंक कितना आएगा, 1। यहां भी देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग देखिए 4 से पूरे संख्या को पूरे पावर को मत भाग कीजिएगा, लास्ट का बस 2 डिजिट ही भाग करना है, यानी 59 को अगर हम भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 14 चौका 56 हो जाता है यानी रिमाइंडर बच गया 3, यहां पे रिमाइंडर कितना बचा तो 3, यानी कि 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, तो 343 में आपको यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि यही आपका इसका आंसर हो गया है। आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए तो जो भी इकाई अंक रहेगा उसका पावर 4 लगाना है, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका भी आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि आपका लास्ट डिजिट बच चुका है और उस पर भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले हैं 8 वाले के लिए, किसके लिए, 8 वाले के लिए। तो इसके लिए भी हम लोग समझते हैं कि अगर किसी संख्या का पावर सॉरी इकाई अंक 8 है, इसका पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 8, 2 है तो 4, 64 होता है इकाई अंक 4, 3 का मतलब 512 होता है तो इकाई अंक 2, 4 का मतलब 6, अब फिर देखिए 8 का पावर 5 जब लगाएंगे तो 8, 8 का पावर 6 लगाए तो 4, 8 का पावर 7 लगाए तो 2, 8 का पावर 8 लगाए तो 6, फिर 8 का पावर 9 लगाएंगे तो आपका हो जाएगा 8, फिर 8 का पावर 10 लगाएंगे
तो ये हो जाएगा 4। सेम वही चीज हम यहां भी देखने को मिल रहा है हमको, 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6, यानी कि यहां भी आपको पावर में 4 के मल्टीपल को काट देना है, जो रिमाइंडर बचेगा वही पावर को लगा देना है। 2 3 7 8 सबके लिए सेम रूल। तो यहां भी अगर हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम डायरेक्ट समझते हैं कि अगर 8 का पावर 94 दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए बस इसको 4 से हम लोग भाग करते हैं। कितना से भाग करेंगे, तो 4 से, जो रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए, 23 चौका 92 होता है, यानी रिमाइंडर बचा 2। तो रिमाइंडर जब 2 बचा, इसका मतलब कि 8 का पावर 2, यूनिट डिजिट 4। इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना होगा, 4, उधर कट रहा होगा तो इधर हम लिखते हैं यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा। हो गया आंसर, फटाक से करेंगे यूनिट डिजिट कितना, 4। चलिए अब इसके लिए भी एग्जाम्पल्स लेकर के देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए इस दोनों क्वेश्चन को एकदम फटाक से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व करके बताएंगे हम लोग। देखिएगा, 8 वाला के लिए क्या रूल है कि बस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भी पूरे संख्या को डिवाइड नहीं करना, बस लास्ट का 2 डिजिट, 4 8 32, रिमाइंडर बचा 1, यानी कि 8 का पावर 1, यूनिट डिजिट इसका 8 है। आंसर फटाक उड़ जाएगा बस 5 सेकंड के अंदर में। यहाँ भी आपका उड़ने वाला है, देखिएगा ये आपका 8 है यार यूनिट डिजिट, अब इसको हम लोग 4 से भाग करते हैं, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट, यानी कि 84 को 4 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 21 चौका 84, यानी कि रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 बचे तो 8 जो यूनिट डिजिट है उसका पावर 4 लगाएंगे। अब बताइए 8 का पावर 4, यूनिट डिजिट कितना होता है, तो 6 होता है, इसका आंसर 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको आज का भी वीडियो समझ में आया होगा, यूनिट डिजिट के सारे डिजिट्स का हम लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं सारे। अब इस पे बाकी रह गया है कि क्वेश्चंस को देखना कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका बस इतना इतना क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, ये बहुत हल्का सा क्वेश्चन हो गया, बहुत 0 लेवल का क्वेश्चन है और आजकल एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना है क्वेश्चन किस तरीके से आजकल पूछे जाते हैं, और उस तरीके से हम लोग को सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। और प्रैक्टिस सेशन में हमारे जरूर बने रहिएगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं इसी यूनिट डिजिट का, और उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका फैक्टोरियल भी आ जाएगा। जैसे अगर किसी संख्या, कोई संख्या इस तरीके से लिखा हुआ है कि 129 फैक्टोरियल का पावर 528 फैक्टोरियल, अब इसका इकाई अंक बनाइए, तो फैक्टोरियल हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बस उसी सेशन में, यानी अगले वीडियो में ही फैक्टोरियल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और बहुत जल्द आने वाला है हमारा नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के बस अगले दिन ही नेक्स्ट वीडियो भी आपका आ जाएगा, और उसमें हम बहुत सारे बहुत यूजफुल क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, हम फालतू का क्वेश्चन इधर उधर का आपको क्वेश्चन बना करके, यानी कि ला करके यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम वही क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे और वही क्वेश्चन को यहाँ पे आपको डिस्कस कराएंगे कि कैसे आप उसको 5 सेकंड में उड़ा सकते हैं, किसी भी यूनिट डिजिट के सारे क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से थोड़ा सा बात कर ले कि अगर आपने फिर से हम कहेंगे वही बात कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।